अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू द टेक्नोविजन एंटरटेनमेंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी भी इंग्लिश टेक्स्ट को उर्दू में कैसे चेंज कर सकते हैं। आपको अगर कोई मुश्किल पेश आ रही है किसी भी इंग्लिश टेक्स्ट में, कोई नोटिफिकेशन है या कोई बुक का कोई लेसन है, तो आप उसको किस तरह उर्दू में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए और दूसरी चीज़ जो है वो आपके पास जो है वो इंटरनेट कनेक्शन का होना लाजमी है। तो चलिए चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, किस तरह से हमने इंग्लिश टेक्स्ट को उर्दू में चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, मोबाइल स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपने गूगल क्रोम है, इसको आपने ओपन करना है। मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ। ये मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पेज के ऊपर जाना है, यहाँ पे गूगल लिखा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साइड पे माइक का आपको आइकन नज़र आ रहा है और एक साइड पे आपको कैमरा नज़र आ रहा है। आपने क्या करना है, कैमरा के ऊपर आपने क्लिक करना है। मैंने कैमरा वाले आइकन पे क्लिक किया। नेक्स्ट, इसके बाद जो है वो आप दो तरीकों से जो है वो इंग्लिश टेक्स्ट को उर्दू में चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मोबाइल में अगर कोई पिक है, आपने पहले से ली हुई है, तो उसको भी आप यहां से सेलेक्ट करके आप उसको उर्दू टेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं। सेकंड जो मेथड है, अगर आपके पास मोबाइल में पिक नहीं है तो आप इसी कैमरा के ज़रिए से अभी बना के आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे पास कोई बुक है तो मैंने बुक का कोई पेज इंग्लिश का है वो उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। तो मैं, ये कैमरा ओपन हो गया है, तो अब देखें वो टेक्स्ट जिसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है उसकी आपने पिक लेनी है। मैं यहाँ से इसकी ना पिक ले रहा हूँ, मेरे पास ये बुक है, यहाँ मैं इसकी पिक लेता हूँ। चलिए, ये मैंने यहाँ से जो है वो टेक्स्ट की पिक ले ली। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन है टेक्स्ट का, ट्रांसलेट का, आपने जस्ट क्लिक करना है ट्रांसलेट के ऊपर। जब मैं ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये गूगल जो है वो इसको डिटेक्ट करेगा और थोड़ी देर के बाद जो है वो उसको उर्दू में चेंज कर देगा। अभी ये थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है, स्लो चल रहा है, इसलिए ये थोड़ा टाइम ले रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है लुकिंग फॉर रिजल्ट्स, तो ये देखें ये गूगल ने जो है वो इसको जो है ना वो चेंज कर दिया हुआ है। तो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ था ये देखें, एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। तो उसके बाद इसको इसने चेंज कर दिया और उसके बाद देखें सारा जो है वो टेक्स्ट चेंज हो चुका है। मछलियों का मतलब, ठीक है, परिंदों का मतलब, प्रोटोजोन का मतलब, तो ये सारा टेक्स्ट इसने चेंज कर दिया है। तो आप भी इसी तरीके से जो है वो किसी भी किस्म के टेक्स्ट को, इंग्लिश के टेक्स्ट को उर्दू में चेंज कर सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है और आपके लिए ये बहुत ही जो है वो इजी ट्रिक है। इसके अलावा दूसरा जो तरीकाकार है, अगर आपके मोबाइल में कोई पिक पड़ी हुई है तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वही वाला ऑप्शन आपने यूज़ करना है। ये आपने कैमरा के ऊपर सेलेक्ट करना है। कैमरा के ऊपर सिलेक्शन के बाद जो है वो आपके मोबाइल में जो पिक है, फर्ज कर मेरे पास ये एक टेक्स्ट है, मैंने ये पिक ली हुई है, आपने इस टेक्स्ट को क्लिक किया, फिर आपने क्या करना है, पिक सेलेक्ट होगी। पिक सेलेक्ट होने के बाद आप क्या करेंगे, आप जस्ट ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये इसको डिटेक्ट करेगा सारे टेक्स्ट को, फिर उसको चेंज कर देगा, उर्दू में चेंज कर देगा। ये आपके सामने चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप जो है वो किसी भी इंग्लिश टेक्स्ट को उर्दू में चेंज कर सकते हैं। वैसे भी हमारी कौमी ज़बान जो है वो उर्दू है, इसलिए हमें उर्दू को ही तरजीह देनी चाहिए। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी जो है वो दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।